ये सवाल जवाब देखेंगे। कम से कम तीन कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। हाशिए पर जाने के कारण कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि जिनकी भाषा, रीति रिवाज और धर्म अलग होते हैं, ऐसे समुदाय जो है वो अपने आप खुद ही स्वयं अपने आप को हाशिए या मार्जिन पर समझते हैं, मार्जिनलाइज समझते हैं। ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाते और आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय से कमजोर और संख्या में कम होते हैं। तो जहां पर आपको पता है कि एक ऐसी टीम है जिसके पास 11 दिग्गज खिलाड़ी हैं और एक ऐसी टीम है जिसमें केवल 2 खिलाड़ी हैं और वो भी खिलाड़ी नहीं है, तो कौन जीतेगा? इस तरीके से वो 2 खिलाड़ी अपने आप ही हार मान लेते हैं। तो ये सोच हमें थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। और जो 11 खिलाड़ी है वो भी दबाते हैं, दोनों ही तरफ से चीजें होती हैं। आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है, क्यों, वे धातुएं कहां से हासिल होती है, क्या वहां आदिवासियों की आबादी है? तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि इन धातुओं पर आधुनिक उद्योग निर्भर है, निर्भर करते हैं। ये कहां मिलती है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से पाई जाती है। और यहां पर देखा जाए तो आदिवासियों की, जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं, उनकी आबादी अधिक है। ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो जलाऊ लकड़ी हो गई, इमारती लकड़ी हो गई, लाख, गोंद, फल, जड़ी बूटियां, कागज, कागज, पेपर, बहुत सारी चीजें हैं। वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही है? मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी, ये कौन लोग हैं जो इसे पूरा करते हैं? खनन के लिए वन भूमि, गैर जमान जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग, और वन्य जीव अभयारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन, इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह असर पड़ता है? तो ये सभी मांगे आदिवासियों से पूरी की जाती हैं, यानी कि जो आदिवासियों का गढ़ है, जगह है जहां पर वो हजारों साल से रहते हुए आए हैं, तो आदिवासी समुदाय अपने जंगलों को छोड़कर शहरों में छोटी मोटी नौकरियों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। और वन भूमि पर जो मांगे हैं वो ये सारी के सारे किनसे की जा रही है? आदिवासियों से। और असर कैसे पड़ रहा है कि वे उस इलाके को छोड़ रहे हैं, छोड़ना पड़ रहा है, चाहे खुशी से चाहे गम से, और वो फिर छोटे मोटे काम पकड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी ये काम नहीं जानते हैं, वो केवल जंगल और जंगल की चीज़ों को जानते हैं, तो फिर उनका एक तरीके से पॉवर्टी में जाना और कोई काम में स्किल ना होना, ये उनके आगे बढ़ने में बहुत बड़ा अवरोध बनता है। जो कविता हमने एक देखी जो चैप्टर में, कि आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है, असम की धरती हर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान है, सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, हे जादू राम तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। तो इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? इस कविता में एक तो ये चीज बताई जा रही है कि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उनसे जमीन छीनी जा रही है और उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, यानी कि उनकी जो रहने की जगह है वहां से उनको अलग किया जा रहा है। आपकी राय में ये बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? इस बात से आदिवासी का जीवन और अस्तित्व दोनों जुड़े हुए हैं, पहली बात ही समझिए। और यदि आदिवासियों की राय नहीं ली गई तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज जब चलती है, गाड़ी चलती है, तो कार्बोरेटर भी बहुत जरूरी होता है, आपका एयर फिल्टर भी बहुत जरूरी होता है, टायर की हवा भी बहुत जरूरी होती है। तो हमारे देश में अलग अलग जातियां हैं,
अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग समुदाय है, संप्रदाय है, सबको एक साथ चलना है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की क्यों जरूरत है? उसका कारण यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों से सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए, यानी कि ऐसा जैसे अगर कोई मेजॉरिटी में है, ज्यादा जिनका नंबर है, अगर वो अपना सांस्कृतिक वर्चस्व यानी कि प्रभुत्व इन पे लादना शुरू कर दें या इनसे कहें कि ये कहो वो कहो, ये करो वो करो, ये ना करो, तो फिर इन ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है क्या करेंगे? अल्पसंख्यकों को भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाने हेतु कहीं ये जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी अंसारी साहब के बारे में हमने देखा था कि गए, इनको मकान नहीं दिया गया क्योंकि ये मुसलमान है। कई चीजों से मुसलमानों को वंचित रखा जाता है, कई चीजों से उनको इस तरीके से देखा जाता है कि ये बाहरी है, ये हमारे नहीं है। इसीलिए जरूरी होता है कि हम सुरक्षात्मक प्रावधान करें। भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, विविधता यानी कि डिवर्सिटी, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ हजारों लाखों लोग रहते हैं और 132 करोड़ हैं हम अभी, और अलग अलग पंथ संप्रदाय के लोग रहते हैं और बड़ी शांति से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बुरे कम हैं लेकिन वो ज़्यादा बुरा कर जाते हैं। तो इनकी सुरक्षा, हमारी जो जिसका हमें गर्व है वो है डिवर्सिटी यानी विविधता, उसकी सुरक्षा करनी है। समानता और न्याय की स्थापना के लिए हमें ये प्रावधानों की आवश्यकता है। ये निबंध एक बच्ची ने लिखा है, आपकी उम्र की है, वो क्या कहने का प्रयास कर रही है? यहाँ पर जो बच्ची है वो कह रही है कि मैं जब हमारा रमज़ान चल रहा था तो सलवार कमीज मैंने पहनी और भाई ने शेरवानी पहनी, और जब हम लौटे तो हमसे कहा गया कि जीन्स और टी शर्ट पहन ले क्योंकि कुछ गड़बड़ी हुई थी जो सांप्रदायिक रूप जिसने ले लिया था। तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि मुझे सलवार कमीज पहने हुए और शेरवानी मेरे भाई को पहने हुए लोग देखते हैं तो कैसा सोचते, क्या बर्ताव करते हैं, क्या हमें खतरा है इस चीज़ से, क्यों हमें भेदभाव की नज़रों से देखा जाता है। तो एनी ए फारूकी ने लिखा है। तो ये बच्ची ये कहना चाहती है कि किसी व्यक्ति या समुदाय की जो पहचान है वेशभूषा के आधार पर नहीं। वैसे देखिए ये बात ये है कि अगर किसी के सर पे पगड़ी है तो आप बता सकते हैं कि ये सरदार जी है, किसी की दाढ़ी है और टोपी उसने पहन रखी है तो बता सकते हैं मुसलमान है, तो एक पहचान तो है ही, लेकिन उसके आधार पर उनको बहुत सारी चीज़ों से जो कि सबको मिलती है उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। उनके मानवता के आधार पर, उनके काम के आधार पर, उनके व्यवहारों के आधार पर उनको आंकना चाहिए, ना कि वो किसी और धर्म को मानते हैं, कुछ और खाते हैं या कुछ और तरीके से पूजा याचना करते हैं, ये गलत हो जाएगा। दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा? तो दादू के बहुत सारे कारण थे। एक तो ये था कि उड़ीसा में जो दादू हैं उनके, जिनके बारे में बात हुई, पूरी स्टोरी हमने सुनी, उनके गांव के जमीन के नीचे लोहे के भंडार थे। वन विभाग के अफसरों ने गांव वालों से जमीन बेचने के लिए कहा और बहुत सारे लोगों ने जमीन बेच भी दी। जिन लोगों ने अपनी जमीन नहीं बेची उन्हें मारा पीटा गया, डराया धमकाया गया, तो मजबूरी क्या ना कराए, दादू को अपना गांव छोड़ना पड़ा। क्या मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध है? यहाँ एक टेबल है, किताब में भी आपके दिया हुआ है कि 63.6% मुसलमान कच्चे घरों में रहते हैं जबकि 55.2% हिंदू कच्चे घरों में रहते हैं। बात तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों की ही हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि हिंदुस्तान की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, पर हिंदुस्तान में भी देखा जाए तो मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। तो हम इससे देख सकते हैं, कह सकते हैं कि मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध नहीं है। उनके रहन सहन, उनका जैसे घर, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, घर हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया, पाइप से पानी आ रहा है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत कमतर, बाकी लोगों से कमतर अवेलेबल है, प्रोवाइड की गई है। किसी धार्मिक समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है, किस धार्मिक समुदाय की? तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे कम नंबर किसका आ रहा है, 59%, यानी कि 100 में से केवल 59 मुसलमान पढ़े लिखे हैं
और ये पढ़े लिखे वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि भाई आप कोई पीएचडी की डिग्री ले ली, ये साक्षर की बात हो रही है। साक्षरता यानी कि ये अक्षर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। जबकि जैन में जाएं हम तो 94% लोग यानी कि 100 में से 94 लोग साक्षर हैं, केवल 6 लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश नहीं हो पाए। तो मुस्लिम समुदाय की साक्षरता आप देख पा रहे हैं कि दर सबसे कम है, क्योंकि गरीबी के हालात है, गुर्बत के हालात हैं और उसमें काम करना पड़ेगा तभी पेट चलेगा, तो सब काम में उतर जाते हैं साक्षरता पे या स्टडीज पे या आप कहें कि पढ़ाई पे ध्यान कम देते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये क्या बताते हैं, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का क्या प्रतिशत है? अब आप देखें 13.5% मुसलमान है, यानी 100 में से करीबन 14 मान लेता हूं मैं इसको, 14 ले, 100 में से 14 मुसलमान है। लेकिन पूरे देश में अगर आप देखें तो ये 2006 की रिपोर्ट है, आईएएस मुसलमान केवल 3 है, आईपीएस 4 है, विदेशी सेवा में 1.8, ये तो पूरा 1-2 भी नहीं हो पा रहा है, 3.3 पीएसयू में है, 10.8 आपके राज्य स्तरीय में है और बैंक और रिजर्व बैंक में 2.2, यानी कि बहुत 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 कम मात्रा। जबकि 100 में से 14 अगर मुसलमान है तो 100 में से कम 10 होते, 8 होते, यहां तो कुल मिला के पूरे देश की बात हो रही है मात्र 3। तो भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 13.5 है और राज्य स्तरीय पीएसयू में उनकी नौकरियों की स्थिति थोड़ी ठीक है, क्योंकि 10.8 है, 11% करीब है, मतलब हर 100 आदमी में से 11 लोग मुसलमान हैं। लेकिन केंद्र स्तर की नौकरी अगर देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां देखा जाए, तो यहां पर मुसलमानों की हालत बहुत बहुत खराब है। हाशियाकरण शब्द से क्या समझते हैं आप, अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। हाशियाकरण का मतलब होता है मार्जिनलाइजेशन। जैसे अगर है कि आपकी कॉपी का पन्ना है तो आप कहाँ लिखते हैं, आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ प्रश्न 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो जो आपने छोड़ा ही है ना जगह, इसे हाशियाकरण कहते हैं कि आपने इनको यहाँ धकेल दिया। तो ज़्यादातर तो आप मतलब मेजोरिटी या ये कहें कि बहुसंख्यक यहाँ पर है, अल्पसंख्यक को यहाँ धकेल दिया गया। तो हाशियाकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय के किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। तो हाशियाकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता है और हाशियाकृत लोग जिनके साथ हाशियाकरण हुआ है, हो रहा है, या समुदाय जब कहिए गरीब होता है, कमजोर होता है और इनको बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। मतलब जब घर में बच्चे बोलना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो उन्हें पहले सिखा दिया जाता है कि ये मुसलमान है, इसके पास नहीं जाना, ये खाते वो करते, ये गरीब है, इसके पास नहीं जाना, ये अनुसूचित जाति है, ये छोटे लोग हैं, इनके साथ नहीं जाना, तो ये घर से ही सिखा दिया जाता है। तो आगे आप बड़े होकर यही सीखेंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये सब ना करें, है ना। इंसान बने, सब इंसान है, सब 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 वही हाड़ मां से बने, सब आपके बराबर हैं, सबसे प्यार करें, सबसे मोहब्बत करें, देश को आगे बढ़ाएं। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, दो कारण बताइए। तो आदिवासियों की जो जमीन है जिसमें वो रहते आए हैं इतने सालों से, उनको खनन और जो और विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है उनसे, और आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन यानी कि जो लाइवलीहुड है, रोटी कमाना और भोजन, वो अपने उसी स्रोतों से, सोर्सेस से वंचित हो गए। वो गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए, क्योंकि उनको काम क्या आता है, उनको काम केवल, या उन्होंने देखा क्या, उन्होंने केवल जंगल देखे, पेड़ पौधे पक्षी पशु यही देखा है, अगर उनसे अलग कर दिया जाए तो उसके अलावा तो कुछ नहीं जानते ना। आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के वर्चस्व से बचाने के लिए, पहली बात। दूसरा यह है कि उनमें एक भाव पैदा करने के लिए कि वो कमजोर नहीं है और वो इस बात को ना समझे, बड़ा आगे बढ़े, और फिर उसके बाद जो सरकारी योजना है और जितनी भी योजनाएं बन रही है उनमें उनको बराबर का हक दिया जाए, बराबर का उन्हें एक पाठ दिया जाए, ताकि उनको लगे कि हाँ वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी मुसीबतों को ध्यान में रखा जाए, उनकी तकलीफों को बहुत अच्छे मन से, बहुत जिसे कहते हैं उदारवादी तरीके से देखा जाए, उन्हें अपने में से एक समझा जाए, ना कि एक अलग कम्युनिटी या फिर कहीं और के हैं ये समझा जाए। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा देखिएगा, पढ़िएगा। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? अल्प मतलब होता है कम,
कम, संख्या मतलब होता है नंबर, तो जो कम नंबर में होते हैं उनको अल्पसंख्यक में कहते हैं। तो अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य यह है कि कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या है। जैसे आप अगर आप सिख लें या फिर बौद्ध जैन, ये बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। ईसाई बहुत कम, फिर भी मुसलमान 13.5 है, लेकिन अगर आप बाकियों की मैंने बात करूं तो 1-2% इस तरीके से आते हैं। आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं और आपको इस बात के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में जो जानकारियां दी गई है उसके आधार पर आप तर्क पेश कीजिए। तो मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्का घर, बिजली, पाइप का पानी, ये जो चीजें मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जो परिवार इस चीज को पाते हैं वो बहुत कम कम लोग हैं। मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में काफी कम है। जो नौकरियां हैं सरकारी या गैर सरकारी, उसमें मुसलमानों का परसेंटेज प्रतिशत बहुत बहुत कम है। और ये भी देखा जा गया है कि जो साक्षरता है इसमें कि बहुत कम ऐसे हैं जो आगे पढ़ाई कर पाते हैं, कोई भी मुसीबत कोई भी चीज़ रही हो लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। दूसरा ये है दिल में एक उनके खौफ है, डर है कि, और हीन भावना जिससे जो लोग उनको बोलते हैं या बात करते हैं उससे उनके दिल में ये है, इसलिए वो पीछे ही रह जाते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते। और उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव है तो वो नोट या वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद वो उनके लिए कुछ नहीं करते। कल्पना कीजिए कि आप टेलीविजन पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं, आपकी एक दोस्त आपके नजदीक बैठी है, वह अचानक कहती है इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उनको सिखाएंगे, क्या बताएंगे, उनको 3 बातें आपको बतानी है। तो आपको क्या क्या बताना है, जो जिन्होंने किसी और तरीके से लिया या उनको यही चीज दिखाई गई तो उन्होंने वही दिमाग में डाला हुआ है, वही चीज वो बोल रही है। तो आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना नहीं होती, कम होती। इसी कारण से यह समुदाय जाति वर्ण व्यवस्था जो है उस पर आधारित समुदायों से बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। यहाँ ना तो कोई बड़ा हुआ, ना तो कोई छोटा हुआ, ना कोई निचली जाति का हुआ, ना कोई अगड़ी जाति का हुआ। आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, और जो हमारे मेन स्ट्रीम धर्म है हिंदू, इस्लाम, ईसाई, इनसे बहुत अलग इनके धर्म है। बल्कि इनका धर्म यह है कि ये पूजते किसको है, ये अपने पुरखों को, गांव को, प्रकृति की उपासना करते हैं। लेकिन जहां ये रहते हैं वहां पर भी इनका थोड़ा संपर्क होता है, वहां से भी इन्होंने कई चीजें ग्रहण की है। और 19वीं शताब्दी के बाद कई आदिवासियों ने ईसाई धर्म भी कबूल किया। खासतौर पर अगर आप देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वहां काफी सारे ईसाई बने, झारखंड का इलाका। चित्रकथा में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। आदिवासी क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उससे मदद आप कर सकते हैं? हम ये कहते हैं हाँ, कि एक कहानी बनाकर उनकी मदद इस तरीके से कर सकते हैं कि वन्य, आपको संकेत में दे रहा हूं कैसे आप क्या क्या बता सकते हैं। वन्य जीवन और रीति रिवाज, पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना, ये दिखा सकते हैं, ये बता सकते हैं। ग्राम आत्माओं की पूजा गांव की सीमा के भीतर जो पवित्र लता कुंजों में है, पुरखों की पूजा घर में, आदिवासियों की दिनचर्या बताई जा सकती है, उनके जीवन में खनन और औद्योगिकरण के कारण जो बदलाव हुए हैं, चेंज हुए हैं, वो बताए जा सकते हैं। और आदिवासियों को अपना गांव और इलाका छोड़कर छोटी छोटी शहर की नौकरियां करनी पड़ रही हैं उसको दर्शाया जा सकता है। और आदिवासियों को का जो हाशियाकरण हो रहा है जिससे उनकी हालत और बद से बदतर हुई जा रही है, ये बता सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? तो ये आपस में जुड़े हुए हैं ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक यानी कि पैसे से रिलेटेड है, मनी, और सामाजिक मतलब समाज से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, जहां हम लोग रहते हैं। तो आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, जब पैसे नहीं है तो कहां से शिक्षा प्राप्त होगी। और आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी उनको अवेलेबल नहीं होता है, ये भी उनको नसीब नहीं होता। अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होती है कि अगर एजुकेशन नहीं है और बेसिक चीज़ें नहीं है तो पहले बेसिक चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान देखेगा, बाद में वो और रिसर्च करने जाएगा या कुछ और करने जाएगा।
या नारे लगाए हैं। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।